जैसे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हम लोग हर जगह जाते जाते टायर्ड फील करते हैं, हमारी सांस फूलने लगती है। तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा। और आप जानते हैं कि जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो कई लोगों को हार्ट अटैक वगैरह भी हो जाता है। और आजकल कई लोगों को हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ हो रही है। तो ये बस इसी का कारण है कि हम लोग इतना वर्कआउट नहीं करते। आजकल कहीं भी देखो हर जगह यही न्यूज़ आती है कि इसको हार्ट अटैक हो गया है, उसको हार्ट अटैक हो गया है। हमारे आसपास भी कई बार ये सुनने को मिलता है कि उसको हार्ट अटैक हो गया है, उसका शुगर बढ़ गया है। तो गाइज़, अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करते हैं तो आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से भी राहत मिलेगी। और ये बीमारी आजकल इसी वजह से बढ़ रही है कि हम लोग ज़्यादातर जंक फूड और फास्ट फूड खाते हैं। तो इस वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से हम लोग इतना एक्सरसाइज नहीं करते हैं और इतनी हम वॉक नहीं करते हैं। आजकल की हाउसवाइफ्स काम तो बहुत करती है, बट पहले जो वो काम खुद करती थी, फिजिकली करती थी, आजकल वो मशीनों के द्वारा करती है। और इस वजह से वो पूरी बॉडी का यूज़ नहीं करती है। इस वजह से उनका फैट बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, उन्हें थकान रहती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो गाइस, आप अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज और इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक पे जाया कीजिए, तो आपको कई बीमारियों से राहत मिलेगी। तो गाइस, चलते हैं पार्क में। तो गाइस, मैं पार्क के लिए निकल गई हूँ और अभी थोड़ा सा दूर है पार्क, अभी पहुँचने ही वाली हूँ। गाइस, मुझे पार्क में जाके काफ़ी अच्छा महसूस होता है। और कई बार मैं घर में अकेले होती हूँ तो इसलिए भी मैं शाम को पार्क में चली जाती हूँ, और काफ़ी फ्रेश फील होता है और मन को भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो तब से मैंने अपना जो है डेली रूटीन बना दिया है पार्क जाने का। पर 4-5 दिन लगातार बारिश हो रही थी और आज थोड़ी कम बारिश है, तो मैंने सोचा चलो आज पार्क में चला जाए, क्योंकि पार्क में जाकर मुझे काफ़ी सुकून मिलता है। तो इसलिए आज मैं पार्क में जा रही हूँ। और इस पार्क में बहुत से लोग आते हैं, और हम लोग रोहिणी में रहते हैं तो रोहिणी में तो बहुत से लोग पार्क में आते हैं। कई लोग तो मॉर्निंग में भी आते हैं और इवनिंग में भी आते हैं, बट मुझे मॉर्निंग में जाना सही नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ भी होता है तो पॉसिबल भी नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं इवनिंग में जाती हूँ, घर पे मैं मॉर्निंग में थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो गाइस, अब मैं बस पहुँच ही गई हूँ। गाइस, आज पार्क में ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत ही कम लोग पार्क में आए हैं, और मुझे भी हल्का सा कोल्ड है, फीवर है, तो इसी वजह से थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, बट फिर भी आप थोड़ा सा इग्नोर करना। ये देखिए पार्क में कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, जो इस पार्क को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहे हैं। इस बार मैंने सोचा कि मैं जिस पार्क में वॉक करने जाती हूँ वहाँ का आपको पूरा व्यू शेयर करूँ, इसलिए आप इस वीडियो में यहाँ का पूरा व्यू देख सकते हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पर डेली तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, बट रेन की वजह से काफ़ी लोग आजकल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी खुद ही आज ही आई हूँ तो मुझे भी लग रहा है कि बहुत कम लोग आए हैं। फिर भी आप देख सकते हैं कि बच्चे तो आए हुए हैं और जिम मशीन में